सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर आ चुके हैं। टुडे वी आर प्लेइंग अगेन मैक अरीना। गाइस आज का ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने एक लेजेंडरी वेपन का सेकंड कॉपी बनाने वाला हूँ। और थंबनेल एंड टाइटल देख के आप सभी समझ ही चुके होंगे कि अपना वो लेजेंडरी वेपन कौन सा है। यस गाइस, आज हम ईएम राइफल 12 का सेकंड कॉपी बनाने वाले हैं। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखते रहना। सो चलो जल्दी से इसका सेकंड कॉपी बनाते हैं। ओके सो गाइज, ईएम राइफल 12 को अनलॉक किए मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, एंड तब से मैं इसके ब्लूप्रिंट्स कलेक्ट कर रहा था। एंड आज ही मुझे इसका एक और ब्लूप्रिंट मिला, जिससे अब मैं इसका रैंक अपग्रेड दे सकता हूँ। एंड एज यू कैन सी गाइज, ये है अपना ईएम राइफल 12 जो कि अभी पूरे 5 स्टार का है। एंड अभी हम स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे गाइज देख सकते हो, रैंक अपग्रेड के पास इसका एक्यूब लिमिट जो कि अभी 1 है वो 2 हो जाएगा, इसकी पावर 225 हो जाएगी, और डैमेज देखो गाइज ऑलमोस्ट 43,000 डैमेज। एंड जरा स्क्रॉल करें तो नीचे देखो यार, डबल डैमेज के चांसेस भी गाइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पे डबल डैमेज के चांसेस भी 40% हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये अपना 6 स्टार का हो जाएगा पूरा। ओके सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। चलो गाइज इसको जल्दी से अपग्रेड करते हैं। एंड इसका अपग्रेड कॉस्ट आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है 1875 ए कॉइंस का इसका अपग्रेड कॉस्ट है। एंड मेरे पास इनफ ए कॉइंस है, मतलब हम इसे आज अपग्रेड कर सकते हैं। सो चलो अपने ईएम राइफल 12 को अपग्रेड करते हैं गाइज। 3, 2, and 1। फाइनली गाइज यहाँ पे अपना ईएम राइफल 12 जो है वो अपग्रेड हो चुका है। एंड समझ रहे हो गाइज, अब हमको इसका सेकेंड कॉपी मिल चुका है, मतलब अब मेरे पास 2 ईएम राइफल 12 है। चलो जल्दी से इसको किसी मैक के ऊपर एक्यूब करते हैं। एंड मैंने सोच रखा है हम इसे किस पे एक्यूब करेंगे, ये सब हटाओ। और गाइज हम इसको एक्यूब करने वाले चीता के ऊपर। यस गाइज, आज हम चीता के ऊपर डबल ईएम राइफल 12 यूज करने वाले। ये देखो यार, अपना फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ईएम राइफल 12 मैंने एक्यूब कर लिए। मैं अभी टेम्प्रेरी इसमें से पायलट ले लेता हूँ पैंथर में से, और चीता पे एक्यूब करते हैं आर्क एंजल पायलट। ओके कहाँ गया ये देखो, ये रहा गाइस अपना आर्क एंजल पायलट, और ये लो। सो गाइस यहाँ पे अब अपना चीता कितना ओपी लग रहा है, जरा नजर डालो इस पे डबल ईएम राइफल के साथ, बहुत ही ओवर पावर दिख रहा है। एंड अभी चलते हैं बैटल में और देखते हैं कि जितना खतरनाक ये दिखता है उतना खतरनाक है कि नहीं। चलो चलते हैं गाइस बैटल की तरफ। ये लो गाइज यहाँ पे अपना बैटल भी शुरू हो चुका है, और मैप देखो कौन सा आया है, अपना स्मोक स्टैक्स मैप आया है। और ये देखो मैंने चीता का जो स्किन है ना उसे थोड़ा चेंज कर दिया है, ये मम्मी वाला स्किन मैंने एक्यूब किया है क्योंकि ये ईएम राइफल के साथ ज़्यादा सूट कर रहा था। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैप्चर करेंगे। एंड सीरियसली गाइज मैं फर्स्ट टाइम डबल ईएम राइफल यूज़ कर रहा हूँ, 12 ही सही लेकिन यूज़ तो कर रहे हैं ना हम। और भाई सच बताओ ना, एकदम अलग सी फीलिंग आ रही है, अब मुझे बस इसे जल्दी से यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चलो चल के देखते हैं कोई मैक दिखता है कि नहीं। ये देखो एक मैक, ओके सो ये कौन सा मैक है, सर्ज है, इस पे अटैक करते हैं। और गाइस देखा आपने डैमेज कितना ओपी दिया, थोड़ी सी एचपी में ये सर्ज बच गया है लेकिन कितना ओपी डैमेज था। रुक जाओ मुझे एक और हिट मारने दो। एंड ये लो अपना फर्स्ट किल अपने ईएम राइफल 12 से। एंड वेट गाइस यहां पे एक और मैक है, और ये सेकंड किल। गाइस मुझे ईएम राइफल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अच्छे से एमिंग करने की। सामने एक मैक है, रुको इसे भी मारेंगे, जरा सा ये कवर से बाहर निकले तब बताऊं मैं। अरे बाहर निकल जा भाई, कवर से क्या लेगा। ओके निकला, बट ये तो नीचे कूद गया भाई। खैर छोड़ो, हम यहाँ पे अपने माइंस बिछा देते हैं। ओके वो मैक नीचे ही है गाइस, देखो माइंस का डैमेज पड़ा उसे अच्छा खासा। कहाँ गया, ये रहा एक्लिप्स है, मैं और माइंस बिछाता हूँ इसके ऊपर। एंड ये लो अपना थर्ड किल। यहाँ पे हम 3 किल कर चुके हैं चीता से, और हमारी एचपी अभी भी अच्छी खासी है, बस थोड़ी सी कम हुई है। और मुझे यहाँ देख, ओके एक और मैक, चलो इसे मारते हैं। एंड गाइज ये अपना 4th किल, ह्यूमिलेशन मिल चुका है। अरे ये रेडॉक्स पता नहीं कहाँ देख रहा था, यहाँ पीछे से हमने उसकी बैंड बजा दी। नीचे मैक्स तो है, बट हमको पेशेंस रखना है गाइज, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ से एक मैक आ रहा है, चलो इसे मारते हैं। एक ही हिट लग पाया, कोई बात नहीं, ये कैप्चर करने आए ना तब उसको माइंड से डैमेज पड़ जाएगा। मारे क्या अभी, नहीं यार नहीं लगा। ओके गाइज इसको मारने की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट ये कवर भी भाग जा रहा है बार बार। ये देखो ये भी नहीं, मिस हो गया। खैर छोड़ो यार, उसको किसी और ने मार दिया। यहाँ पे हमारे ठीक नीचे एक कम एचपी वाला मैक है, मैं उसको मारता हूँ, रुक जाओ देखने दो। एंड ये लो हमारा गाइस यहाँ पे डोमिनेटिंग कंप्लीट हो चुका है, पूरे 5 किल हो गए, और अभी भी मैच जो है ना बहुत बाकी है भाई, 3 मिनट का मैच बचा है, मतलब हम और किल्स निकाल सकते हैं। चलो यार सही है। वैसे गाइस आप लोग बताओ आपको गेम प्ले कैसा लग रहा है, ठीक है कमेंट में बताना इस वीडियो के बाद। यहाँ पे नीचे एक मैक है, इसे मारते हैं। एंड गाइस एक और किल, स्मैकडाउन कंप्लीट हो चुका है, अगर हम इसे एक और बार मार देना तो अपना नेमेसिस भी मिल जाएगा हमको। उधर सामने एक मैक है, रुक जाओ उसको नहीं मार सकते हम,
कुछ ज़्यादा दूर है ना, इधर एक मैक दिख तो रहा है मुझे, एंड इसने भाई अपना एबिलिटी यूज़ कर दिया हमारे ऊपर। नहीं यार, ये ओरायन हमें मार सकता है। यहाँ देखो एक मैक, और क्या ही तो निशाना था ये गाइस, आपने देखा एकदम भाई पीछे घूम के हमने उड़ा दिया उस मैक को। लिटरली गाइस मैं जितना इसे यूज कर रहा हूँ ना उतना ही मजा आ रहा है। यहाँ देखो एक मैक आ गया। नहीं नहीं, इसे क्लोज नहीं आने दे सकते, मैंने एक दो हिट मारा इसे। कवर पे चलो, कवर पे चलो, मरना नहीं है, बस एक और हिट का बचा है, वो नीचे चला गया। तू आ भाई कैप्चर करने, मेरे माइंड से मरेगा तू। अरे पीछे से एक और मैक, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा वरना। वो देखो माइंड से वो मरा, यहाँ से भागो जल्दी वरना भाई वो मार सकते हैं हमको। मैक्स और बाल बाल बचा मैं यहाँ पे, सामने मैंने एक किल निकाल दिया, रैम्पेज कंप्लीट हो चुका है अपना। एंड इधर मैंने गाइस बहुत ही ओपी क्लच किया, नेमेसिस भी मिल चुका है हमें और निंजा मास्टर भी। वहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं उधर रुकता ना तो ये लोग मेरी बैंड बजा देते, बट सही टाइम पे मैं वहाँ से भाग लिया और नीचे मेरे ठीक एक मैक है। एक और किल चाहिए जस्ट, देन अपना गॉड लाइक हो जाएगा। वेट करते थोड़ा, कोई मैक आए फिर उसे मारेंगे। तीन तीन मैक्स मुझे दिख रहे हैं, ये देखो सामने ही दो है, और इसे मारता हूँ, रुक जाओ। नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं। और मैच भी कुछ ही वक्त में खत्म हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। यहाँ पे देखो गाइज, नीचे एक मैक है जिसकी एचपी कम है। चलो चलते हैं, कहाँ है जरा देखे तो, ये रहा गाइज, जल्दी से एम करो। एंड यहाँ पे गाइज हमारा गॉड लाइक कंप्लीट हो चुका है, हमने चीता से पूरे 10 किल कर लिए। और सामने से एक रेडॉक्स आ रहा है, चलो इसकी भी बैंड बजाते, बस ये अपनी एबिलिटी ना यूज कर दे मेरे ऊपर। और ये लो भाई, हमने इसे भी मार दिया, स्मैकडाउन कंप्लीट। और नीचे अभी और भी मैक्स है यार, ये मैक्स अब तक खत्म क्यों नहीं हुए। खैर अब क्या कर सकते, मारना ही पड़ेगा। कहां पे है मैक? ओके, ब्रिखा उसे इधर। अरे यार ये ऑटो एमिंग ना कभी कभार दिक्कत देता है, मतलब ऑटो एमिंग नहीं, दूसरे मैक पे एम चला जाता है जब इस पे एम करो तो। एक हिट मारा मैंने, ये दूसरा हिट। अरे भाई ब्रिखा उस बड़ा क्लोज आ गया यार, फिर से मुझे भागना पड़ेगा क्या? ओके वो आ रहा है, नीचे आ रहा है। एंड ये लो गाइस, यहाँ पे हमने इस ब्रिक हाउस को मार दिया, लेकिन पीछे एक और मैक है। नहीं 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 यार, दो दो मैक्स मेरे पीछे पड़ गए, एंड मैं ईएम राइफल के एक एक हिट से नहीं मार पाऊंगा इन्हें। मेरी एचपी बहुत कम है गाइस, मैं मरने वाला हूँ भाई, लिटरली मैं मरने वाला हूँ। और इधर से एक मैक आ गया, ये लो भाई गए हम, हमारी चीता का काम तमाम हो गया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे टीम का और कोई बॉट भी नहीं बचा है, सो मैं लास्ट प्लेयर हूँ। मेरे पास मैक्स तो है गाइस, बट टाइम नहीं रहा ना अब, तो मारते हैं गार्डियन से, देखते हैं क्या कर पाते हम। ये गार्डियन से हमने एक किल निकाला, वहाँ पे दूसरा एक मैक है, वो ईएम राइफल वाला है। ये लो भाई, उसने हमारी बैंड बजा दी। खैर अब हम इस मैच को नहीं जीतने वाले क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और मेरे टीम का कोई प्लेयर भी नहीं रहा, तो जितना हो सकता है किल निकालते हैं और मैच को ख़त्म करते हैं। ये रहा अपना सर्ज, इस ऑनिक्स पे मैंने अटैक किया गाइज, एंड ये किल हमने ले लिया और ये मैच हम हो चुके हैं डिफीट। बट अपना चीता हो चुका है MVP विथ ओवर 12 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड नेमेसिस। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आज हमने हमारे लेजेंडरी वेपन ईएम राइफल 12 का सेकंड कॉपी बनाया एंड चीता पे इक्विप करके गेम प्लेस भी किए। आई होप आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक के मैं रखता हूँ आज का 300 लाइक्स, एंड आई नो आप लाइक करके गेम कंप्लीट करा दोगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर लेना गाइज, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।